जब आप मेटल और नॉन मेटल चैप्टर की थ्योरी कवर कर लेते हो, जिसमें आपने पढ़ा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली उनकी, उनकी आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली कि मेटल्स कैसे दिखते हैं, ठीक है, या नॉन मेटल कैसे दिखते हैं, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली कि मेटल्स क्या क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स क्या क्या बनाते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद जब आप चैप्टर में आगे पढ़ते हो तो आपने देखा कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद जब आप आगे और बढ़ते हो तो आप अकरेंस ऑफ मेटल्स के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सीखते हो, और फिर लास्ट में कोरोजन और एलॉय के बारे में पढ़ते हो, ठीक। अच्छा, फिर जब आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हो तो फिर आप बड़े आसानी से एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस या जो बैक एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से कर पाओगे। इनमें से बच्चों सबसे पहले एनसीईआरटी इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर है 40 और उसका क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक है। जिन क्वेश्चंस के आंसर केवल ओरली दे सकते हैं मैं उनको सिर्फ ओरली आपको आंसर करूँगा, और जिनके लिए मुझे लगेगा कि कुछ नोट करने की ज़रूरत है तो उनको नोट कर दूंगा, ठीक है। तो पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच फर्स्ट पार्ट है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमें एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जब बच्चों आपने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि मेटल्स में हमने कहा था कि जनरली ये सब सॉलिड होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन भी है कि जो मरकरी होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे मरकरी, ठीक है, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, आसान है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, क्योंकि ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसका नेचर है कि मरकरी लिक्विड होता है, ठीक है। सेकंड, आपको एक ऐसा मेटल बताना है कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, सोडियम पोटेशियम, है ना, ये सब कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो आप सोडियम पोटेशियम का नाम ले सकते हो इनमें, ये सॉफ्ट मेटल हैं जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, एक ऐसा कंडक्टर बताइए जो कि बेस्ट कंडक्टर हो, किसका, हीट का, तो इलेक्ट्रिसिटी या हीट की, दोनों की ही बात करें, अगर बेस्ट कंडक्टर आपको बताना हो तो उसमें किसका नाम आएगा, सिल्वर का नाम आएगा, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, सिल्वर, ठीक है। अब पुअर कंडक्टर की बात बतानी है तो पुअर कंडक्टर में आप किसका नाम लोगे, मेटल्स की बातें करनी है, ठीक है, वैसे तो नॉन मेटल्स हमने पढ़े हैं कि पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन मेटल्स में भी अगर हम बात करें तो लेड जो है वो सबसे कम कंडक्टिविटी दिखाता है, लेड पीबी, क्या है ये, लेड, ये जो ग्लास है, ग्लास जो शीशा होता है ना, वो है ये लेड, ठीक है, वो कंडक्टिविटी सबसे पुअर दिखाता है। ओके, तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कुछ एक्सेप्शन हैं या कुछ बेस्ट हैं या कुछ पुअर हैं वो आपके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसी पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसने पूछा हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ पहले, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपने पढ़ी थी, तो मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि उनको थिन सीट्स हैं उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है उस मेटल, और डक्टाइलिटी में आपने क्या पढ़ा था, उनसे वायर बनाए जा सकते हैं। तो मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें सीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे मेलेबिलिटी कहेंगे, और वायर में कन्वर्ट करने को डक्टिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो नोट्स के अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों की डेफिनेशन आपको मैंने दे दी है, आप वहाँ से याद कर लेंगे और उनका मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के आंसर कर सकते हो बड़े आसानी से। इसके बाद बच्चों जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट, इससे आगे बढ़ जाता हूँ, पेज नंबर 40 के बाद, और पेज नंबर 40 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों हमें नेक्स्ट मिलता है पेज नंबर 46, ठीक है, पेज नंबर 46, वहाँ पर हमें कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से पेज नंबर 46 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी बात कर रहा हूँ।
क्वेश्चन है व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ओके, तो हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी बच्चों, तो उसमें आपने देखा था सोडियम बहुत ऊपर आता है, सबसे ऊपर ही आता है लगभग, है ना। तो सोडियम जो है वो इसका मतलब बहुत हाईली रिएक्टिव है। अगर हाईली रिएक्टिव है तो वो कम्बाइंड होने का नेचर रखता होगा। जैसे ही वो एयर में एक्सपोज होगा या एयर का एक्सपोजर उसे मिलेगा, वो तुरंत उससे रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसे कैरोसिन ऑयल में रखेंगे। कैरोसिन ऑयल में रखने का बेनिफिट ये होगा कि कैरोसिन ऑयल एयर से रिएक्ट नहीं करेगा और उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा। ये बात समझ आ रही है। और सोडियम जनरली इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर डायरेक्टली एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वो फायर को कैच कर लेता है ना। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है, जो आंसर है, जो एग्जैक्ट आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, वो मैंने नोट्स में आपके दिया हुआ है। केवल आपको समझ में आना चाहिए कि उसे कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। वो फायर कैच कर सकता है नंबर वन, और दूसरा अपने ऑक्साइड में या नेचर की जो भी गैसेस हैं उनसे रिएक्ट करके कन्वर्ट हो सकता है किसी दूसरे कंपाउंड में। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों सेकेंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद स्टीम। आयरन की रिएक्शन स्टीम से करानी है। ठीक है, आयरन की रिएक्शन स्टीम से कराने पर क्या बनता होगा। तो आंसर है आयरन की रिएक्शन स्टीम से कराने पर वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। इसको आप थोड़ा सा बैलेंस करके लिख देना और फिर बड़े आसानी से आप अपना आंसर बना पाओगे। यहाँ पर भी 4 लिख लेना, यहाँ पर भी 4 लिख लेना। ठीक है, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। हालांकि ये मेटल की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, मेटल की रिएक्शन विद वाटर, तो आपके नोट्स में ये रिएक्शन मैंने वहाँ पर लिख कर दी हुई है पहले से, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, आयरन की रिएक्शन वाटर से कराने पर वो क्या बनाता है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो जनरल रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी कि मेटल की रिएक्शन वाटर से कराने पर कुछ तो ऐसे होते हैं जो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएंगे, और जो मिडल रिएक्टिविटी वाले हैं वो क्या करते हैं बोलो, नॉर्मल मतलब हॉट वाटर, थोड़ा सा हॉट, बॉयल नहीं, हॉट वाटर। और जो कम रिएक्टिविटी वाले हैं लाइक जैसे आयरन, ये सब हॉट वाटर से भी नहीं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वही उसी रिएक्शन की बात हो रही है। अब इसके बाद बच्चों एक और रिएक्शन आपसे पूछी हुई है कि कैल्शियम एंड पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से कराने पर क्या बनता होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी आप बड़े आसानी से दे सकते हो। जैसे पोटेशियम है, उसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो वो अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, KOH। ठीक है, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, तो जब ये वाटर से रिएक्ट करता है ना, बहुत तेज़ी से हीट भी निकलती है, वहाँ पर हीट भी बनती है, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, या हम कैल्शियम की भी बात करें तो कैल्शियम जो है जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये भी अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। और क्योंकि कैल्शियम भी अच्छी खासी रिएक्टिविटी रखता है, दिखाता है, तो इसलिए ये भी हीट प्रोड्यूस करता है। जब ये रिएक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम को पानी में डालोगे हीट निकलेगी, या वो पोटेशियम को पानी में डालोगे तब भी हीट निकलेगी। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो मेटल की रिएक्शन बेसिकली वाटर वाला जो आपको बताया था, मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ये वो वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें इस तरह की एक टेबल टाइप बनी हुई दिख जाएगी। ठीक है, और उस टेबल में उसने 4 एलिमेंट हैं ABCD। ठीक है, ABCD उनके बारे में बता रखा है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो ए है वो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा बट कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, या बी के बारे में भी कुछ बातें बता रखी है,
कि बी आयरन सल्फेट को डिस्प्लेट कर देता, डिस्प्लेस कर देता है ना, और जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, इस तरह से कुछ थोड़ा 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 सबके बारे में बता रखा है। अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ये बताना है कि ए बी सी डी में से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहा होगा, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा, इस टेबल में से आपको देखकर बताना है, ठीक है। तो देखो, ध्यान दो, आयरन और कॉपर की बात हो रही है और जिंक की बातें हो रही हैं और सिल्वर की बातें हो रही हैं, ठीक है। अब जो हमारा रिएक्टिव मेटल होगा, रिएक्टिव, ठीक है, वो रिएक्टिव मेटल जो सबसे इनमें से जो सबसे रिएक्टिव होगा वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता होगा, ऑफ कोर्स कर देगा, आया ना, करेगा या नहीं करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता होगा। अच्छा, और अच्छा आप रिएक्टिविटी सीरीज और देखो, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें एक जगह रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी होगी, तो आयरन जिंक सल्फेट के बारे में भी देख लो कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो पेज नंबर 45 है ना एनसीईआरटी की बुक में, वहाँ पर पेज नंबर 45 पर इस तरह की एक क्या दिख जाती है, एक टेबल दिख जाती है यहाँ पर। तो वहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो आयरन, आयरन से ऊपर क्या दिया हुआ है, जिंक, तो मैं उनको उसी के ऑर्डर में लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जिंक लिख देता हूँ, फिर आयरन लिख देता हूँ, और क्या कहा है हमारे पास, कॉपर, कॉपर कहाँ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, और सिल्वर हमें सबसे नीचे मिलेगा इसमें, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो देखो कितना आसान है पहचानना, इनमें से जो सबसे रिएक्टिव मेटल होगा वो किसको डिस्प्लेस करा देगा, तब हम मानेंगे कि बहुत रिएक्टिव है, जिंक को, किसको, तो आप देखोगे ए बी सी में से जिंक को कौन डिस्प्लेस करा पा रहा है, तो आंसर कोई भी नहीं, यार नहीं बी करा रहा है, बी करा रहा है क्या, नहीं, अच्छा जिंक के बारे में नहीं दे रखा है, तो बी को कोई जिंक को कोई डिस्प्लेस नहीं करा रहा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब बात करो जिंक के बाद आयरन, तो आयरन को डिस्प्लेस करा देगा तो हम मान लेंगे कि वो हाईली रिएक्टिव है इनमें से, तो इनमें से आयरन को कौन डिस्प्लेस करा रहा है, बी, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बी, क्लियर हो गई बात। अब बी के बाद अब नेक्स्ट जो कॉपर को डिस्प्लेस करा दे, तो कॉपर को डिस्प्लेस कराने वाला कोई दिख रहा है, दिख गया, कौन दिख रहा है, ए, ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया ए लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको रिएक्टिविटी सीरीज में कौन दिखाई देगा, बोलो, अब किसको करा दे, कॉपर का देख चुके, नेक्स्ट किसको करा दे, सिल्वर को करा दे, तो सिल्वर को कौन कर दे रहा है, सी, ठीक है, और डी ऐसा है जो इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, बी, उससे कम ए, उससे कम सी, और सबसे कम डी। कैसे पहचाना, एक बार फिर से, हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से चलते हैं, ये चारों एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा जो जिंक को डिस्प्लेस करा दे, अब जिंक को तो कोई नहीं करा पा रहा, तो फिर हमने ये वाला पैरामीटर चेंज कर दिया, जिंक की जगह हमने क्या देखना स्टार्ट किया, आयरन, जो आयरन को डिस्प्लेस कर दे, अब आयरन को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है, बी, आयरन सल्फेट में से आयरन को बी डिस्प्लेस कर देगा, तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब आयरन के बाद का पैरामीटर कौन है, कॉपर, भाई बी तो आयरन को कर रहा है तो ऑफकोर्स कॉपर को भी करेगा, ऑफकोर्स सिल्वर को भी कर रहा होगा, है ना। अब हमें बी के बाद कौन सा है वो देखना है, तो उसके लिए हमने कॉपर का देखा, कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, तो दिया हुआ है ए, यानी कि बी से कम ए, अब ए अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो ऑल्सो सिल्वर को भी करता ही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पता करना है कि जो सिल्वर को कर दे, तो वो हमें मिल गया कौन, सी, सिल्वर नाइट्रेट को कर रहा है, ठीक है, ऑफकोर्स डी तो दिख ही रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, तो वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, बी ए सी डी, ठीक है। नंबर 4, पेज नंबर 46 वाले इंडेक्स क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट किससे रिएक्ट करेगा, H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, ये पूछा हुआ है। हम जानते हैं कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, क्या इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस।
अब उसने रिएक्टिव मेटल की बात की, तो मैं आपको एक सोडियम का एग्जांपल देता हूँ, सबसे आसान वाला। तो जो सोडियम है जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता होगा? तो आंसर है Na और Cl, ये आपस में कम्बाइंड हो जाते होंगे, NaCl बनता होगा, है ना। और ये जो H बचा, ये अपने जैसा ही H से क्या बना लेता होगा? हाइड्रोजन गैस। इनके रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासों में। तो ये जैसे मैंने एक रिएक्टिव मेटल की बात कर दी, अब उसने पर्टिकुलरली स्पेशली आयरन के बारे में भी पूछा है कि आयरन की रिएक्शन बताओ किससे? H2SO4 से, ठीक है। तो जब आयरन इससे रिएक्ट करेगा तो ये बात तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, ये H2 तो बनेगा ही बनेगा। जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी। अब बचा क्या? जब H2 निकल गया तो क्या बचा हुआ है? FeSO4। तो आयरन सल्फेट बनेगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। आसान है, ठीक है, इस तरह से कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन? जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जब जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया जाए तब क्या होगा? तो आंसर है कि हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है और आयरन नीचे आता है। तो अगर जिंक को आयरन के सॉल्ट से रिएक्ट कराओगे, अगर आप जिंक को आयरन के सॉल्ट से रिएक्ट कराओगे तो क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो वो इसे डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट करके खुद अपने साथ ZnSO4 को अटैच कर लेगा। तो कितना आसान सा रिएक्शन है, ZnSO4 आ गया और बचा क्या? Fe, वो डिस्प्लेस हो गया। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन कर सकते हो आप पेज नंबर 46 के, ठीक। देखिए आपको जो नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन मिलेंगे वो पेज नंबर 49 पर मिल जाएंगे, पेज नंबर 49, ठीक है। उस पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने। वो कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो ये हालांकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ बट मैं एक एग्जांपल जरूर देता हूँ फिर से। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम शो करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे सोडियम का वैलेंस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सोडियम का सिंबल लिखूंगा और उसके सामने एक डॉट बना दो, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन, अगर दो होते तो दो बना देता। समझ आता है? आसान है। अच्छा, इसी तरह से आप अदर दूसरे भी बना सकते हो। जैसे सेकंड पार्ट में कह रहा है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgOO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको Na2O का भी क्लास में दे चुका हूँ, MgO का भी दे चुका हूँ, मैं एक बार केवल रिवीजन पर्पज के लिए एक बार फिर से बनाकर दिखा रहा हूँ MgO वाला। इसमें बच्चों ध्यान दो कि जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282। जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 26, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं और ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं। तो अगर हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैग्नीशियम के लिए हम क्या करेंगे? तो आंसर है 2 डॉट बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे? तो आंसर है 6 डॉट बनाएंगे, ठीक है। डॉट बनाना चाहो तो डॉट बना देना, अगर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो डॉट की जगह क्रॉस यूज कर लिया करो दूसरे एटम पर। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम के पास 2 होंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र दिखाना है, तो हम जानते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करेगा, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र। और जब ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा तो ट्रांसफ़र करने के बाद जो ये मैग्नीशियम है ये पॉजिटिव 2 हो चुका होगा, यस। और जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है इसके पास बच्चों ध्यान से देखेंगे तो जो मैग्नीशियम वाले दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे क्लियरली ऑक्सीजन के साथ,
और क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए बच्चों वो नेगेटिव टू दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या सिंपली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एम जी ओ, दिस, ठीक है। ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। तो जैसे मैंने ये एम जी ओ का बनाया है, और जब हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड पढ़े थे तो उस वाली क्लास में भी मैंने आपको कई सारे बनाकर दिखाए थे, तो बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं ये, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे करना है? पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बना लो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बना लो, फिर वो दोनों डोनेट करेगा, इस पर पॉजिटिव टू, इस पर नेगेटिव टू आ जाएगा, ठीक है। तो आसान से क्वेश्चन है ये। इसके बाद थर्ड पार्ट में उसने पूछा है व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर आयन दिखा दिए कि जो मेटल होता है वो पॉजिटिव आयन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटायन, और ऑफकोर्स नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव आयन रखता है, तो उसे हम एनायन कहते हैं। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है कि मेटल्स हैव पॉजिटिव आयन एंड नॉन मेटल्स हैव नेगेटिव आयन, जिनको हम कैटायन कहते हैं। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है जो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी जो डिटेल्ड जो आंसर हैं जो आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं वो नोट्स में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। किसका वो सबको अलग 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 बताना है, जैसे सोडियम का ये बना हुआ है, अब मैग्नीशियम में और किसका पूछा हुआ है, ऑक्सीजन का पूछा हुआ है, हाँ। तो सोडियम का तो ये हो गया, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन का ये हो गया, और मैग्नीशियम का भी ये बना ही दिया, तीनों ही हो गए एक तरह से। मैग्नीशियम का कितना, 2। डॉट स्ट्रक्चर बनाने है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, सोडियम के, ऑक्सीजन के और मैग्नीशियम के फर्स्ट पार्ट में, तो ऐसे बन जाएंगे। तीनों के अलग अलग बनाने हैं, एक ही नहीं है, अलग अलग बनाने हैं, सोडियम का अलग, ऑक्सीजन का अलग और मैग्नीशियम का अलग, ठीक है। और इसमें कंबाइंड दिखाना है, नहीं नहीं ये वो नहीं करना है, ये क्या करना है, इसमें सोडियम ये एक पार्ट हो गया, पहला पार्ट क्या है सोडियम का बनाकर दिखाओ, दूसरा पार्ट क्या है ऑक्सीजन का बनाकर दिखाओ, तीसरा पार्ट क्या है मैग्नीशियम का, ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये आसान से क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों एक और इसने बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वेरी गुड। जो एक एक वर्ड का अगर आंसर देना हो एक वर्ड में, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके पास क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कैटायन और एनायन होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, आयन होते हैं, उनके बीच में एक हाई स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होता है जो उनको एक साथ रखता है, तो उनको मेल्ट करके तोड़ना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए, ठीक है। तो इसका आंसर है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पेज नंबर कितना है, 53। इस पर जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनकी बातें करेंगे अब हम, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ जो पेज नंबर 53 पर एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मिनरल, ओर, गैंग, ये सब क्या होते हैं। तो नेचर में जो हमें मेटल मिलता है ना, वो जिस फॉर्म में भी हमें मिलता है वो मिनरल होता है, और वहाँ से जो प्रॉफिटेबल हम निकाल सकते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए, जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते करते हैं, वही मिनरल हमारे लिए ओर का काम करता है। और गैंग के अंदर आपने पढ़ा है कि रॉक, सैंड है ना, ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो गैंग कहलाती हैं। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक्स में दी हुई है, जो मैंने आपको हिंदी में बोला वही सब पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ से आप डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला हुआ है नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। अब कोई भी मेटल फ्री स्टेट में कब मिलेगा, जो वो रिएक्ट ना करता हो गैसेस से, तो वो फ्री होगा, है ना। तो जो लीस्ट रिएक्टिव वाले होंगे उनमें से आपको जो ठीक लगते हो वो दो नाम ले सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे तो गोल्ड ठीक लग रहा है, गोल्ड, और मुझे प्लैटिनम भी ठीक लग रहा है, सिल्वर भी ठीक ही है मतलब, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं गोल्ड और प्लैटिनम लिख देता हूँ, ये ठीक है।
गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव हैं तो वो नेचर में रिएक्ट नहीं करते हैं, नेचर की गैसेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो अपनी कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलकर फ्री स्टेट में मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा डेफिनेशन था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल को फाइंड करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेटल ऑक्साइड जब आ जाते हैं तो मेटल ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, मेटल को कैसे फाइंड करते हैं, तो आंसर है बाय रिडक्शन। क्या कराते हैं? रिडक्शन कराया था ना आपने, किस किस के साथ? कार्बन के साथ कराया था, याद है? कार्बन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ कराया था, कार्बन इसमें थर्माइट रिएक्शन पड़ी थी आपने, याद है? तो स्मेल्टिंग पड़ा था कार्बन के साथ जब कराया था, तो वो सारी रिएक्शंस की बातें हो रही हैं। तो हम कौन सी रिएक्शंस कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। इन बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आते हैं साइंस में, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। उनका लिखने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता है कि उसने पूछा कि कौन सी प्रोसेस से आप मेटल ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक बच्चा तो ये है जो लिख कर आ गया रिडक्शन, और एक बच्चा वो है जिसने वहाँ पर रिएक्शन भी दे दी, वहाँ पर साथ में क्या दे दी, रिएक्शन भी दे दी। उस बच्चे के आंसर, उसका अगर मान लो, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, अगर मान लो दो कॉपी मेरे सामने रखी हैं जिसमें एक बच्चे ने सिर्फ रिडक्शन लिखा है और एक ने बात भी लिखी है कि रिडक्शन कराते हैं और ये उसका एग्जाम्पल है, तो मैं ऑफकोर्स, आप अपने खुद दिमाग लगाकर सोचो कि आप अगर टीचर होते तो किसे ज़्यादा मार्क्स देते? यस, एक नंबर में से फिर मैं ये करता, इसको आधा देता, इसको एक देता। तो जब आपके पास, अगर आपको याद हो, ऐसा भी नहीं करना कि रिडक्शन के साथ रिएक्शन बोला था सर ने लिखनी है और गलत रिएक्शन लिख कर आ गए, तो जो बचा खुचा है वो भी काट देगा, है ना? तो ऐसा नहीं करना, अगर आपको प्रॉपर याद है, याद करके जाओगे ही आप, तो रिडक्शन के साथ वहाँ पर क्या करना, रिएक्शन भी ज़रूर देना उसके साथ, ठीक है। इस तरह से इनके कुछ आंसर आप कर पाओगे पेज नंबर 53 पर जो क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट, जब हम एनसीईआरटी की बुक में 55 नंबर पर जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें पेज नंबर 55 पर, तो अगेन हमें इंटेक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है, मेटलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल, इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। इनमें से किस में रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट वाली आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, मेरे पास जिंक ऑक्साइड की बातें करनी है, मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बातें करनी है, और मुझे कॉपर ऑक्साइड की बातें करनी है, ठीक है। और मुझे जिंक, यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ, फिर जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर आप ये देखकर बताओ कि इनमें से कौन किसको डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जब आप पेज नंबर कौन सा है बच्चों हमारा, 45, वहाँ पर जब आप इन तीनों के बारे में बात करोगे, तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और उससे नीचे जब आओगे तो आपको जिंक मिलेगा, और उससे नीचे जब आओगे तो आपको कॉपर मिलेगा। पेज नंबर 45 पर रिएक्टिविटी सीरीज में ये पोजिशन है इन तीनों की, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि अगर जिंक जिंक को क्यों डिस्प्लेस करने लग गया, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा क्या? तो आंसर है हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से फिर से आ जाऊँ, क्या जिंक मैग्नीशियम को कर देगा? नो, तो यहाँ पर क्या आएगा? नो रिएक्शन। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को करने वाली बातें ही नहीं करनी है। कॉपर मैग्नीशियम को कर देगा क्या? नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब फिर से, क्या जिंक कॉपर को कर सकता है? तो आंसर है हाँ, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यस, ये डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ठीक है। क्या मैग्नीशियम कर देगा कॉपर को? तो आंसर है यस, कर देगा, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसने यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में आपसे, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से दोबारा पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि मेटलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स, तो इनमें से किस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। तो आंसर है कि इनमें से ये जो मैंने टेबल टाइप का आपको बनाकर दे दिया है, इस तरह की टेबल आपको दिखाई दे जाएगी। अगर इनको रिएक्शन की फॉर्म में भी दिखाना हो तो वो भी बच्चों बड़े आसानी से दिखाया जा सकता है। और आप अपना एग्जाम में अगर आंसर टेबल की फॉर्म में देना चाहते हो, दैट इज गुड, अच्छा है वो, आप इसी तरह से दो, ठीक है। अगर वैसे अगर कभी दिखाना हो तो आप ऐसा दिखा सकते हो कि देखो, अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन जिंक ऑक्साइड से कराऊंगा तो मैं जानता हूँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना लेगा, MgO, और डिस्प्लेस कर देगा जिंक को। एक एग्जाम्पल मान लो इस तरह का दे देना। और जैसे अगर नो रिएक्शन वाला दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जब कॉपर की रिएक्शन जिंक ऑक्साइड से कराएंगे तो वहाँ पर वो रिएक्शन नहीं होगी, या तो यहाँ क्रॉस बना देंगे या यहाँ पर आप लिख देंगे नो रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से, या टेबल बनाकर समझा देंगे। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो पूछ रहा है कि विच मेटल्स डू नॉट कोरोड ईजीली, कौन से मेटल ऐसे हैं जो ईजीली कोरोड नहीं होते हैं। तो आंसर है वही मेटल होंगे जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, जो रिएक्टिविटी नहीं दिखाते होंगे, है ना। जैसे नेचर में फ्री स्टेट में मिलने वाले कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको, गोल्ड और प्लेटिनम, है ना। तो गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे हैं जो ईजीली कोरोड नहीं होते हैं। तो आप चाहो तो इन्हीं दोनों का नाम अगेन यूज कर लो क्वेश्चन नंबर टू के लिए, ठीक है। पहला नाम यूज कर लो गोल्ड और प्लैटिनम। अब ये करिए, कोरोड क्यों नहीं होंगे ये क्लियर है ना आपको, क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं। अब कम रिएक्टिविटी की वजह से ये जो इन्वायरमेंटल गैसेस हैं उनसे रिएक्ट नहीं करते होंगे, एटमोस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट नहीं करेंगे तो कोरोड नहीं होंगे, ठीक है। और फिर वो पूछ रहा है व्हाट आर अलॉय, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, अलॉय क्या होते हैं वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय हमने पढ़ा है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल मेटल का या मेटल नॉन मेटल का, ठीक है। और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी हुई हैं। तो इस तरह से ये आप सभी इनटेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाओगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करे अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।